स्वागत है प्यारे बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 10 विषय विज्ञान का चैप्टर नंबर 4। बच्चों आपके सामने लेके आ चुके हैं कार्बन एवं उसके यौगिकों के बारे में। बच्चों हम यहाँ पर डिटेल चर्चा करने वाले हैं, पूरी तरीके से बच्चों समझेंगे और नोट करेंगे। अगर पहली बार आए हैं बच्चों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को बच्चों जरूर शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए बात कर लेते हैं बच्चों सबसे पहले कार्बन एवं उसके यौगिक के बारे में। बच्चों की कार्बन क्या होता है और उसके यौगिक क्या क्या होते हैं बच्चों, तो ध्यान रखिएगा कार्बन एक अधातु होता है, इसका जो प्रतीक है बच्चों कैपिटल सी होता है। ध्यान रखेंगे कार्बन क्या होता है बच्चों, एक अधातु होती है जिसका प्रतीक बच्चों क्या होता है, कैपिटल सी होता है। सर्वतोमुखी यह तत्व पाया जाता है, सभी जगह बच्चों ये तत्व जो है तो पाया जाता है। कार्बन जो है भूपर्पटीय है, यानी जमीन के नीचे। भूपर्पटीय का मतलब क्या होता है बच्चों, जो हमारी भूमि होती है वो कई परतों में बटी होती है बच्चों, तो इन्हीं परतों में क्या है कार्बन पाया जाता है। और हम खनिजों के रूप में 0.02% तथा वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में 0.03% बच्चों क्या है, हमारा जो कार्बन है वो हमारे लिए उपस्थित है या बच्चों उपलब्ध है। चलिए इसका तीसरे पॉइंट भी बच्चों हम डिस्कस कर लेते हैं। सभी सजीवों, पौधे और जंतुओं का शरीर कार्बन यौगिक का बना होता है। बच्चों आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात पता होनी चाहिए, जो हमारा कार्बन होता है बच्चों, सभी सजीव जितने भी पेड़ पौधे मनुष्य हैं, जो जंतु हैं बच्चों, इनमें क्या है बच्चों, शरीर जो है इनका ये कार्बनिक यौगिकों से बना होता है या कार्बन वाले यौगिकों से बच्चों क्या होता है, निर्मित होता है। चलिए आगे बात कर लेते हैं बच्चों की कार्बन के सह संयोजी आबंध क्या होते हैं, किस प्रकार से इसका निर्माण होता है बच्चों। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कार्बन के परमाणुओं की जो संख्या होती है प्यारे बच्चों वो 6 होती है। कितना होती है बच्चों, कार्बन परमाणुओं की जो संख्या होती है वो 6 होती है। वहीं हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की अगर बात कर ले बच्चों पढ़ाई में डाउट आते हैं तो सॉल्व नहीं हो पा रहे तो घबराओ मत, इसका सोल्यूशन डाउट नेट ऐप। जिस भी सवाल में आपको डाउट है उसकी फोटो को जो क्रॉप करो, 5 सेकंड के अंदर उसका वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री में। यानी अब आप पूछिए अनलिमिटेड सवाल कहीं भी कभी भी। अब चाहे आपका सवाल क्लास 6 से 12 तक IIT JEE NEET का हो या फिर CBSE UP बिहार राजस्थान या अन्य स्टेट बोर्ड का हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी साइंस, आपके सभी सवालों के जवाब आपको सिर्फ डाउट नेट ऐप पर मिलेंगे। साथ ही साथ डाउट नेट पर चल रही क्लास 9वीं से 12वीं तक IIT JEE NEET के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेस, जिसका हिस्सा बनकर देश के सभी राज्यों से बच्चे लेकर आए रैंक 1, तो आज ही डाउट नेट ऐप को इंस्टॉल करो और अपने सभी डाउट को भगाओ और टॉप रैंक लेकर आओ। तो C बराबर 6 होगा बच्चों। तो कार्बन के पहले कक्षक में बच्चों 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और अगले कक्षक में बच्चों 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। याद रहेगा कार्बन का जो बच्चों परमाणु क्रमांक होता है वो कितना है, 6 होता है। यानी इसके पास जो बैलेंसी होगी बच्चों कितनी रहेगी, तो ध्यान रखिएगा जो कार्बन है, कार्बन के पहले कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरे कक्षक में कितने होते हैं, 4 होते हैं। चलिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बच्चों बनता है इस प्रश्न से, तो नोट करेंगे बच्चों क्या प्रश्न बनेगा कि कार्बन उत्कृष्ट गैस विन्यास कैसे प्राप्त करता है। तो चलिए इसके लिए बच्चों यहाँ पर हमने 2-3 पॉइंट आपके लिए मेंशन कर दिया है, तो इन 2-2 पॉइंट को बच्चों हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, अच्छे से नोट करेंगे और समझने का बच्चों प्रयास करेंगे। चलिए कार्बन चतुसंयोजी यौगिक होता है बच्चों। कार्बन ना तो 4 इलेक्ट्रॉन खोकर यानी धन आयन और ना ही 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर बच्चों ऋण आयनिक बंध बनाता है। क्या करेगा बच्चों, अगर कार्बन चाहे तो अपने 4 इलेक्ट्रॉन त्याग करके एक धनायन यौगिक बना सकता है, और चाहे तो 4 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके एक ऋण आयनिक यौगिक का निर्माण कर सकता है बच्चों, ठीक है। 4 अतिरिक्त इलेक्ट्रॉनों को धारण करने वाला कार्बन के लिए अत्यंत कठिन होता है। ध्यान रखिएगा जो 4 इलेक्ट्रॉन इसको धारण करने होते हैं तो इसके लिए क्या बहुत कठिन कार्य होता है, लेकिन कार्बन द्वारा 4 इलेक्ट्रॉन खोने के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। दोनों कंडीशन थोड़ी कठिन होती हैं। अगर कार्बन को अपने 4 इलेक्ट्रॉन त्यागने भी पड़ते हैं तब भी बच्चों उसको ऊर्जा की बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है, और धारण करने के लिए भी बच्चों क्या होता है, अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। चलिए इसलिए बच्चों हम क्या नोट करेंगे कि कार्बन अपने अन्य परमाणु अथवा अन्य तत्वों के परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनों के साथ साझेदारी करके आबंध बनाता है। क्या करेगा बच्चों, अब इसको खोने और लेने दोनों में समस्या आ रही है, तो बच्चों ये क्या करेगा कि अन्य परमाणुओं के साथ, कार्बन क्या करेगा अपने अन्य परमाणुओं के साथ या अन्य तत्वों के साथ इलेक्ट्रॉनों के साथ साझेदारी करके एक आबंध का निर्माण करता है बच्चों। क्या करता है, एक आबंध का निर्माण करेगा। चलिए
दूसरा पॉइंट नोट करेंगे बच्चों, एक ही प्रकार या विभिन्न प्रकार के परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बने आबंध को सहसंयोजी आबंध कहते हैं। ये तो हम सभी जानते हैं कि अगर एक ही प्रकार या विभिन्न प्रकार के परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनों की बच्चों जब साझेदारी होती है, क्या होती है बच्चों, साझेदारी होती है, तो साझेदारी से बने आबंध को सहसंयोजी आबंध कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, सहसंयोजी आबंध कहा जाता है। चलिए तीसरे ऑप्शन को नोट करेंगे बच्चों, कार्बन के अतिरिक्त परमाणु हाइड्रोजन, जो कार्बन होता है बच्चों, कार्बन के अतिरिक्त परमाणु हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन और भी इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से आबंध का निर्माण आसानी से कर सकता है। जैसे कार्बन होते हैं बच्चों, कार्बन क्या करेगा, हाइड्रोजन के साथ, ऑक्सीजन के साथ, नाइट्रोजन के साथ, क्लोरीन जैसे अन्य अणुओं के साथ भी क्या करता है, इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करके बच्चों क्या करेगा, एक नए आबंध का निर्माण करता चलेगा। बच्चों आगे बढ़ते हैं, जैसे आप एग्जांपल यहां पर देख लीजिएगा कि कार्बन किस प्रकार से क्या करता है, साझेदारी करेगा बच्चों, तो ये देख सकते हैं हमने एग्जांपल लिया है H2 अणु का, यानी हाइड्रोजन परमाणु के हमने यहां पर दो अणु लिए हैं। देख सकते हैं प्यारे बच्चों, ये दो अणु पहले ऐसे थे, अब इन दोनों में जो साझेदारी होगी बच्चों वो क्या कहलाएगी, इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा। ये देख सकते हैं हाइड्रोजन परमाणु के पास एक एक इलेक्ट्रॉन होते हैं, दोनों ने जब साझेदारी की तो दो इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी से बच्चों जब दो अणु का निर्माण हो जाएगा, इसे हम क्या कहते हैं बच्चों, एच बॉन्ड, यानी हाइड्रोजन परमाणुओं के बीच बंधों क्या है, आबंध का निर्माण हो चुका है, यहाँ पर एक बॉन्ड जो है बच्चों क्रिएट हो चुका है, एक साझेदारी बच्चों यहाँ पर क्या है, निर्मित हो चुकी। चलिए ऑक्सीजन परमाणुओं के बीच की हम थोड़ी सी साझेदारी को समझते हैं बच्चों, तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑक्सीजन जो परमाणु है बच्चों, ऑक्सीजन परमाणु के पास कुल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो काउंट कर सकते हैं प्यारे बच्चों, दो इलेक्ट्रॉन, चार और ये छः, मतलब ऑक्सीजन अणु के पास बच्चों क्या है, एक परमाणु के पास छः इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरा परमाणु भी बच्चों यहाँ पर तो उसके पास भी कितने हैं, छः परमाणु हो गए, मतलब ऑक्सीजन के दोनों परमाणुओं के पास छः छः क्या हो चुके हैं, इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं, तो साझेदारी के लिए कितने कितने परमाणुओं की जरूरत पड़ेगी बच्चों, या कितने इलेक्ट्रॉनों की जरूरत पड़ेगी, तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों, हमारे पास जब ऑक्सीजन के अणु जुड़ते हैं तो यहाँ पर इनके पास चार इलेक्ट्रॉनों का साझा तैयार होता है बच्चों, क्या होता है, चार इलेक्ट्रॉनों का साझा तैयार होता है बच्चों, इस तरह से यहाँ पर डबल बॉन्ड का निर्माण होता है। ठीक है, जब एक एक इलेक्ट्रॉन मिलकर के साझेदारी करेंगे बच्चों तो एक बंध का निर्माण होता है, जिसे हम आबंध कहते हैं, लेकिन जब चार इलेक्ट्रॉन बच्चों आपस में साझेदारी करते हैं तो डबल बॉन्ड का निर्माण होता है, यानी दोहरी साझेदारी होती है बच्चों, क्या होती है, दोहरी साझेदारी होती थी। देख सकते हैं यहाँ नोट करेंगे आप लोग, साझेदारी इलेक्ट्रॉन के दो जोड़े के साथ हो रहा है बच्चों, इसलिए हम यहाँ क्या बोलेंगे, ऑक्सीजन ऑक्सीजन परमाणुओं के बीच द्वि आबंध का निर्माण हो चुका है, क्या हो चुका बच्चों, दो बंधों का निर्माण हो चुका। चलेगा यहाँ पर हम नाइट्रोजन परमाणु के कुछ एग्जाम्पल ले रहे हैं बच्चों, तो चलिए नाइट्रोजन परमाणु को भी नोट कर लीजिएगा आप लोग, तो ध्यान रखिएगा जो नाइट्रोजन होते हैं बच्चों, नाइट्रोजन के पास एक परमाणु में पांच इलेक्ट्रॉन होते हैं, और एक और हम परमाणु ले लेते हैं बच्चों, तो उस परमाणु में नाइट्रोजन के कितने अणु हैं या इलेक्ट्रॉन है बच्चों, तो पांच इलेक्ट्रॉन हैं। अब बच्चों जो यहाँ पर साझेदारी होगी, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर जो नाइट्रोजन अणुओं में जो साझेदारी होती है बच्चों वो कितने इलेक्ट्रॉनों की होगी बच्चों, तो तीन तीन जोड़े यहाँ पर साझेदारी करेंगे, तो नोट करिएगा यहाँ देख सकते हैं कितने जोड़े बन रहे हैं, छः इलेक्ट्रॉन बन रहे हैं बच्चों, यानी दो दो का जोड़ा बन रहा है बच्चों, तो कितने जोड़े हो गए यहाँ पर साझेदारी इलेक्ट्रॉन के बच्चों, तीन जोड़े बनेंगे, इसलिए बच्चों जल के अणु में और हमारे पास जो नाइट्रोजन के अणु में यही अंतर आपको देखने को मिलेगा बच्चों, क्योंकि जल के अणु में अलग अलग होंगे और नाइट्रोजन के अणु बच्चों क्या होंगे, त्रिबंध का निर्माण होता बच्चों, यानी यहाँ पर तीन जोड़े जब बच्चों लिए जाएंगे तो तीन साझेदारी होगी बच्चों, इस तरह से यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड का क्या होता है, निर्माण होता। चलिए एक और एग्जाम्पल बच्चों, लास्ट एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर बच्चों हम जल का एग्जाम्पल लेने वाले हैं, यानी H2O का, तो बच्चों यहाँ पर हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन, इस हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन, और ये हमारा जो ऑक्सीजन है बच्चों इसके पास देख सकते हैं कि पूरे पूरे छः इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहे होंगे बच्चों। ठीक है, अब ये क्या करेंगे, आपस में जब साझेदारी करेंगे तो किस प्रकार का बॉन्ड बनेगा, तो क्या करेगा बच्चों, ऑक्सीजन का और हाइड्रोजन का एक बंध मिलेगा, एक परमाणु यहाँ जुड़ जाएगा, यहाँ से बच्चों एक एक इलेक्ट्रॉन मिलकर एक नए बंध का निर्माण करेंगे, इसलिए क्या बनेगा,
एच बॉन्ड ओ बॉन्ड एच, क्या पढ़ेंगे बच्चों, H2O को हम लोग एच बॉन्ड ओ बॉन्ड एच पढ़ा जाता, ठीक है। तो इस प्रकार से बच्चों जो जल के अणु होते हैं वो क्या करते हैं, बंध का निर्माण कर लेते हैं बच्चों। चलिए एक महत्वपूर्ण लाइन बच्चों नोट कर लीजिएगा, सहसंयोजी यौगिकों के भौतिक गुण नोट करना बहुत जरूरी है बच्चों, तो इसको भी नोट कर लीजिएगा। सहसंयोजी यौगिकों के जो गलनांक होते हैं एवं क्वथनांक बच्चों बहुत कम होते हैं, क्योंकि इनके बीच अंतराणुक बल बच्चों क्या होता है, बहुत कम पाया जाता है। दूसरा पॉइंट नोट करेंगे बच्चों, सहसंयोजी यौगिक विद्युत के कुचालक होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों के बीच और कोई आवेशित कण नहीं होता है। क्या होता है बच्चों, जो सहसंयोजी यौगिक होते हैं ये विद्युत के कुचालक होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों के बीच कोई और आवेशित कण नहीं पाया जाता। चलेगा, अब बच्चों हम कार्बन की सर्वोत्तम की प्रकृति के बारे में हम अगले वीडियो में आपसे चर्चा करेंगे, तब तक के लिए विदा चाहेंगे बच्चों। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, साथ साथ दोस्तों को जरूर शेयर कर दीजिएगा बच्चों, ताकि आने वाले सभी वीडियो की जानकारी आपको मिल सके। फिर मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।